कहने के लिए करोड़ों बाद हैं, चल रहे हैं, चलेंगे, रोज नए नए बनेंगे, लेकिन वो सब इसी दो के अंदर हैं। ट्रेजर हाउस ऑफ लिविंग रिलीजन्स, एक बहुत बड़े विदेशी फिलॉसफर का बड़ा भारी ग्रंथ है, ह्यूम ने लिखा है। उन्होंने 11 धर्म बताए हैं। द बाइबल ऑफ बाइबल्स में फ्रैंक एल रिले ने भी 11 धर्म बताए हैं, उसमें 8 तो हमारी इंडिया में और 3 बाहर हैं। चीन में ताओ धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म, जापान में शिंतो धर्म और बाकी 8 इंडिया में, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। ये 11 धर्म या 11 करोड़ धर्म हो, वो सब दो धर्म के अंतर्गत हैं, शरीर धर्म, आत्म धर्म। इसी को अध्यात्म वादी और भौतिक वादी कहते हैं। तो भौतिक बात तो आप लोग तमाम जानते ही हैं, अध्यात्म बाद में मैं तत्व के विषय में आप लोगों को बताया गया वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा। ये भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, भगवान से इसका भेदाभेद संबंध है, और तटस्थ शक्ति है और अणु है, सर्वव्यापक नहीं है। कुछ थोड़ा सा बुद्धि का विषय, कुछ केवलाद्वैतवादी कहते हैं कि देखो जी, ऐसा है कि जीव जो है इसकी उत्पत्ति नहीं होती ना। हाँ, नहीं होती, हम भी मानते हैं, वेदांत भी मानता है। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य 2-3-18 और अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण 1-2-18 कठोपनिषद भी कहता है और गीता भी यही कहती है और भागवत भी यही कहती है। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुष यो रजयो हो, प्रकृतिम पुरुषंच विद्यनादि बुभावपी 13-19 गीता। वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे तुदाहृता जो लोकत्र महावृत्य विभर्तव्य ईश्वर यस्मात् कर्मति तो हम इत्यादि। 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20 ये सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं जीव नित्य है, अज है,